कल आप लोगों को बता दिया गया था रिमार्क तक चीज़ें कंप्लीट हो गई थी, आज हम लोग रिमार्क पे आगे शुरू करेंगे। कल आपसे कहा गया था कि जैसे आप लोगों ने ग्रुप थियरी में सीखा था कि कैसे अलग अलग सिस्टम जो है ग्रुप बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं उसको चेक करना, जैसे सबसे पहला आपने सीखा था सेट ऑफ इंटीजर्स पे आपने प्लस बाइनरी ऑपरेशन लिया था और चेक किया था कि वो ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता है। सबसे पहला ग्रुप थियरी का थ्योरम यही था। तो आज हम लोग इसी तरह से यहाँ पे अलग अलग नाम से अलग अलग मैट्रिक स्पेस को पढ़ेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन डैम श्योरली आपको पेपर में मिलता है। दूसरी बात, जैसे अगर आपको ये सेशन क्यों पढ़ना और ज़रूरी है, जैसे हम आप लोगों को 7-8 तरीके के मैट्रिक स्पेस पढ़ाएंगे, फिर जब आप आगे के आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उसमें सीधे मैट्रिक स्पेस का नाम दिया रहेगा, इक्लूडियन मैट्रिक स्पेस। तो आपको अपने दिमाग से सोचना होगा कि इक्लूडियन मैट्रिक स्पेस क्या होता था, फिर उसकी चीज़ों को आप कर पाएंगी, ठीक है। तो ये जो 7-8 मैट्रिक स्पेस है ये इसीलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी बात ये है कि भाई इन 7-8 मैट्रिक स्पेस को याद कैसे किया जाए, क्या ऐसा फंडामेंटल फार्मूला अपनाया जाए कि ये हमको याद हो जाए। भाई किसी ने तो सिखाया होगा ना 2+2=4, है ना, तो ये कैसे याद किया जाए, एक तरीका होना चाहिए। तो देखिए, कोई भी मैट्रिक स्पेस को पढ़ने के लिए 3 चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक। वो 3 चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो कभी भी कौन सा मैट्रिक स्पेस पूछा इसमें आप कन्फ्यूज नहीं होंगी, ठीक है। तो हेडलाइन डालिए, पहला जो मैट्रिक स्पेस है आपका वो है यूजुअल मैट्रिक स्पेस। यूजुअल मैट्रिक स्पेस, ठीक है। जैसे इसका नाम रखा गया यूजुअल, आगे चल के आपको मिलेगा डिस्क्रीट, स्यूडो, इक्लूडियन, इस तरह से करके बहुत ढेर सारे मैट्रिक स्पेस मिलेंगे। 7-8 मैट्रिक स्पेस ही हैं, लेकिन उन सारे मैट्रिक स्पेसेस को याद करने का तरीका है। जैसे कल हम आप लोगों को मैथमेटिकल डेफिनेशन बताए थे मैट्रिक स्पेस की, तो आपसे कहा गया था कि जब भी मैथमेटिकल डेफिनेशन है सबसे पहले अपने दिमाग में सेट कर लीजिए हमको क्या लेना है, एक नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी क्यों होता है इसका रीज़न बता दिया गया था, वाइवा में पूछा जाता है। फिर कहा गया था इसका हमको क्या लेना है, सी पी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका क्या मिलेगा हमको, एक्स क्रॉस एक्स। फिर कहा गया था कि इसके ऊपर हमको डिफाइन करना है एक फंक्शन, उस फंक्शन को डिस्टेंस फंक्शन है तो हम किससे डिनोट करते हैं, डी से, डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टू आर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में हमेशा रखनी है कि अगर हमसे मैथमेटिकल डेफिनेशन पूछेगा तो नॉन एम्प्टी सेट, उसका सीपी, एक फंक्शन, और जो उन 4 प्रॉपर्टी को क्या करता हो, सेटिस्फाई। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, नॉन नेगेटिव कंडीशन, दूसरी प्रॉपर्टी नल कंडीशन, तीसरी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, चौथी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है। तो अब अगर हमसे नाम से पूछा जाए यूजुअल मैट्रिक स्पेस तो 3 चीज़ें हमको याद रखनी पड़ेंगी। वो 3 चीज़ें अगर आपके दिमाग में सेट है तो आप कभी भी कोई भी मैट्रिक स्पेस पूछा जाएगा कन्फ्यूज्ड नहीं होंगी। पहली चीज़ वो होती है कि हम एक्स की वैल्यू क्या ले रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि डी जो मैपिंग हम लेते हैं वो कहाँ से कहाँ तक लेते हैं। तीसरी चीज़ की जो मैपिंग हम लेते हैं वो कहाँ से कहाँ लेते हैं। तीसरी चीज़ की मैपिंग कहाँ से कहाँ ली गई। और फिर नेक्स्ट इसके बाद जो होता है वो ये होता है कि डी एक्स वाई को हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी। पहली चीज़ कि एक्स की वैल्यू क्या है, दूसरी चीज़ कि डी हम कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, तीसरी चीज़ डी एक्स वाई को हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं। ये 3 चीज़ें अगर आपके माइंड में हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो कभी भी कोई भी मैट्रिक स्पेस का नाम से पूछा जाए तुरंत अपने दिमाग में सोचिए कि एक्स की वैल्यू क्या लेनी है, डी कहाँ से कहाँ तक है और डी को डिफाइन कैसे किया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने यूजुअल मैट्रिक स्पेस की। यूजुअल का मतलब होता है साधारण, साधारण का मतलब जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। तो आप लोगों को जब हम इंट्रोडक्शन बताए थे तो हम बताए थे इंट्रोडक्शन में कि एम फ्रेचेट ने इसकी खोज की थी, किससे की थी, रियल नंबर लाइन से की थी। चूँकि आप रियल स्पेस की कंसिडरेशन लेते हैं तो जो भी चीज़ आप सोचेंगे वो कहाँ सोचेंगे, रियल स्पेस में सोचेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यूजुअल का मतलब होता है साधारण,
साधारण का मतलब होता है जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। दैनिक जीवन में हम अपने रियलिटी को देखते हैं। रियलिटी किससे आती है? रियल नंबर से। यूजुअल का मतलब होता है साधारण। साधारण मतलब जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। दैनिक जीवन में क्या देखते हैं? रियलिटी। रियलिटी किससे आती है? रियल नंबर से। इसलिए यूजुअल मैट्रिक स्पेस में x की वैल्यू r के बराबर ली जाती है। ठीक है, d जो फंक्शन डिफाइन करते थे यहाँ पे x क्रॉस x से r, तो यहाँ पे x का मान हमने क्या ले लिया है? r। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ r पुट कर दीजिए। पुट करेंगे तो मिलेगा r क्रॉस r से r तक के बीच में। ठीक है, तीसरी चीज़ है कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे। जैसे आपको याद आता होगा, कई बार आप लोग ग्रुप थियरी में लिखते थे ए ओ बी इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई टू, है ना। तो ये डिफाइन किया जाता था। कोई कहता था ए ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, कोई कहता था ए ओ बी इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई फोर, कोई कहता था ए ओ बी इज इक्वल टू सिक्स ए बी। तो ये डिपेंड करता था कि आप डिफाइन कैसे कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही यूजुअल मैट्रिक स्पेस में डिफाइन करने के लिए दूरी को डिफाइन कैसे करते हैं? मेरे आपके बीच की दूरी को निकालना होगा, एक ओरिजिन मानेंगे, ओरिजिन से आपकी दूरी, ओरिजिन से मेरी दूरी, दोनों को घटा देंगे। छः और चार के बीच की दूरी निकालनी है, क्या करेंगे? सिक्स माइनस फोर। तो अगर एक्स और वाई के बीच की दूरी निकालनी है तो दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे। फिर मान लीजिए हम कहें कि छः और चार के बीच की दूरी निकालो। आपने कहा हम तो मैम सिक्स माइनस फोर करेंगे। पीछे से महाशय ने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरा तो मन कर रहा है हम फोर माइनस सिक्स करेंगे। तो जब आपने सिक्स माइनस फोर किया तो आपका आंसर टू, उन महाशय ने किया तो माइनस टू। लेकिन आपको पता है डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव, तो क्या कर दे इसके आगे? मॉड लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपकी यूजुअल मैट्रिक स्पेस की परिभाषा हो गई। यूजुअल मैट्रिक स्पेस में हम एक्स की जगह क्या लेते हैं? आर। डी को कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करते हैं? आर क्रॉस आर से आर। और डी एक्स वाई की वैल्यू क्या होती है? मॉड एक्स माइनस वाई। याद कैसे करेंगे? यूजुअल का मतलब साधारण, साधारण का मतलब दैनिक जीवन, दैनिक जीवन का मतलब हम लोग की रियल लाइफ, रियल लाइफ का मतलब रियल नंबर। दो रियल नंबर के बीच की दूरी निकालते हैं तो दोनों को घटाते हैं। दूरी नेगेटिव नहीं होती है इसलिए हमने क्या लगा दिया? मॉड। ठीक है, तो x की जगह r, d एक फंक्शन है r क्रॉस r से r के बीच में, d एक फंक्शन है x क्रॉस x से r के बीच में, या r क्रॉस r से r के बीच में। डिफाइन करने का तरीका डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड x माइनस y। तो कहते हैं अगर ये सिस्टम उन चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया तो ये मैट्रिक स्पेस बनाएगा, और ऐसे मैट्रिक स्पेस को हम यूजुअल मैट्रिक स्पेस कहेंगे। तो थ्योरम एग्जाम में आता कैसे है? कहता है स्टेट एंड प्रूफ यूजुअल मैट्रिक स्पेस। तो उसमें आपको यूजुअल मैट्रिक स्पेस की परिभाषा लिखनी होगी, यूजुअल मैट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टी को सिद्ध करना होगा, तब कहना होगा कि ये चारों प्रॉपर्टी सिद्ध हो गई इसलिए हम इसको यूजुअल मैट्रिक स्पेस कहेंगे। ठीक है, तो पहले हम प्रूफ करके समझा दे रहे हैं, उसके बाद हम लिखवाएंगे। ठीक है, चलिए प्रूफ देखा जाए। यहाँ पे एक शब्द हम भूल रहे हैं, फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। अगर ब्रैकेट में बंद करते तो आर क्रॉस आर, ब्रैकेट में बंद नहीं किए तो आर। ठीक है, चलिए पहली प्रॉपर्टी होती है आपकी नॉन नेगेटिव कंडीशन। देखिएगा एम वन, पहली प्रॉपर्टी होती है नॉन नेगेटिव कंडीशन। नॉन नेगेटिव कंडीशन में कितने एलिमेंट्स लिए जाते हैं? नॉन नेगेटिव कंडीशन में दो एलिमेंट्स, नल कंडीशन में दो एलिमेंट्स, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में दो एलिमेंट्स, ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी में तीन एलिमेंट्स। ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी एक ऐसी अकेली प्रॉपर्टी है जिसमें हम कितने एलिमेंट्स लेंगे? तीन। बाकी सब में कितने एलिमेंट्स लेंगे? दो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि सिमेट्रिक, नल, नॉन नेगेटिव तीनों में दो दो एलिमेंट लेंगे, ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी में तीन एलिमेंट लेंगे। ठीक है, अब देखिए नॉन नेगेटिव कंडीशन है दो एलिमेंट लेना है, तो फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर,
मेरी नज़र में ये इतनी सी लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोग नहीं लिखेंगे तो हम तो पहले ही काट के ज़ीरो कर देंगे, नीचे हम बढ़ेंगे ही नहीं कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं, वहीं काट पिट के ज़ीरो। क्योंकि फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब होता है आर में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट के लिए। जब कोई चीज़ सबके लिए होल्ड होगी तभी वो प्रॉपर्टी कहलाएगी, अदरवाइज वो प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो ये सब दिमाग में सेट करते चलिए। हम होमवर्क भी देते हैं, जैसे आठ है तो आठों हम नहीं कराते हैं, एकाध उसमें होमवर्क भी देते हैं। तो जब तक आप दिमाग में सेट नहीं करेंगे कि पहली लाइन ये लिखनी है, तब तक हाथ नहीं चलेगा। ठीक है, और कुछ बच्चे हमसे पूछते हैं मैम मैट्रिक स्पेस में हम पढ़े सब थे लिख नहीं पाए, तो उसका तरीका ये है विद इन फ्रॉम द फर्स्ट डे आप लिख करके पढ़िए। मैट्रिक स्पेस डीजी दो ऐसे पेपर हैं, अगर आप बिना लिखे पढ़ते हैं आपको सब आएगा लेकिन आप कुछ लिख नहीं पाएंगे, उसकी गारंटी हम ले रहे हैं। पेन चलेगा ही नहीं, ये एकदम मान के चलिए। तो जब पढ़ रहे हैं तो उसको लिख लिख करके पढ़िएगा, तो उससे आपका हाथ लिखने में सेट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम देखिए, हमने दो ले लिया एलिमेंट्स एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। अच्छा, क्या प्रूफ करते थे नॉन नेगेटिव कंडीशन में कि डी एक्स वाई हमेशा कैसा होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, यही सिद्ध करना है। कैसे करेंगे आप सोचिए, हमने दो रियल नंबर लिया, छोटे छोटे थे हम लोग जब रियल नंबर पहली बार पढ़े थे। किस क्लास में पढ़ी थी रियल नंबर पहली बार, 1-2 में। अच्छा चलिए, जब भी पढ़ा हो आपने रियल नंबर, कहते हैं दो रियल नंबर को अगर जोड़ा जाए तो भी रियल नंबर मिलता है, दो रियल नंबर को अगर घटाया जाए तो भी रियल नंबर मिलता है, दो रियल नंबर का गुणा किया जाए तो भी रियल नंबर मिलता है, और दो रियल नंबर का भाग दिया जाए तो भी रियल नंबर मिलता है। ठीक है, हमने दो रियल नंबर ले लिया एक्स और वाई, ये प्रूफ करना है। इसकी परिभाषा लिखी हुई है मॉड एक्स माइनस वाई, बीच में कौन सा साइन है, नेगेटिव। तो हम कहेंगे सिंस डिफरेंस, डिफरेंस मतलब घटाना, डिफरेंस ऑफ टू रियल नंबर, टू रियल नंबर्स इज ऑल्सो आ रियल नंबर, दो रियल नंबर को घटाते हैं तो वापस से क्या मिलता है, रियल नंबर। x और y दो रियल नंबर है, दोनों को घटा दीजिए, घटाएंगे तो x माइनस वाई आएगा, वो भी क्या होगा, रियल नंबर। ठीक, फिर देखिए, मान लीजिए रियल नंबर हमारे पास -3 है, -4 है, -5 है, अगर सबके आगे मॉड लगा दें तो नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव में, है ना। ठीक है, ये रियल नंबर है, लेकिन जैसे ही इस रियल नंबर के आगे हम मॉड लगा देंगे वो अपने आप क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। ये मॉड्यूलस फंक्शन की परिभाषा से, मॉड्यूलस प्रॉपर्टी, जब आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में मॉड्यूलस फंक्शन पहली बार, तो उसमें ये प्रॉपर्टी बताई जाती है। अच्छा, ये जो हम लिख रहे हैं ये मत सोचिएगा मैम ऐसे फालतू लिख रही हैं, ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ है। हम आपको बताएं, मैट्रिक स्पेस में मेरा 48 नंबर था, मैट्रिक स्पेस में मेरे ही सेशन में मेरे 25-11 बच्चे फेल थे। कल ही हम आपसे कल परसों जिक्र कर रहे थे, है ना, सब बच्चों को फेल कर दिया गया था अंसारी सर के पेपर में। रीज़न क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपके नंबर को बहुत बढ़ा देती हैं। हमको लगता है ये फालतू चीज़ है, लेकिन ये चीज़ें जो सामने वाला कॉपी चेक करता वो ये समझता कि आपने कुछ सोच करके लिखी है। ठीक है, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि नोट्स में ये सारी चीज़ें चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन वाले बच्चों इंक्लूड ज़रूर करें। हम आपको बिल्कुल प्योरीफायर आपको दे रहे हैं, अगर आप ये तरीका सीख लिए मैट्रिक स्पेस में लिखने का तो गारंटी है कि आपका 40+ नंबर आएगा ही आएगा। ठीक है, मतलब आपका स्टेप पे नंबर नहीं कटेगा, बाकी जो आप पेपर किए हो वही आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ लिखना मत भूलें। ठीक, अब देखिए, लेकिन मॉड एक्स माइनस वाई किसके बराबर है, तो मिलेगा डी एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, हैंस नॉन नेगेटिव कंडीशन इज सेटिस्फाई। ठीक है, अब हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारी नल कंडीशन, नल कंडीशन को सेटिस्फाई करने चल रहे हैं। M2 है हमारा नल कंडीशन,
तरीका सीखिएगा नल कंडीशन को प्रूफ करने का, मतलब एक एक चीज़ का हम तरीका बता रहे हैं आपको। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, नल प्रॉपर्टी, नॉन नेगेटिव, ये तीन प्रॉपर्टी ऐसे हैं जिसमें कितने एलिमेंट लेते हैं, दो। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में तीन। नल प्रॉपर्टी अगर आपको याद आ रहा हो तो ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है ना, वाइस वर्सा वाली कंडीशन। तो इसको जब हम करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, पहले तो कितने एलिमेंट्स लेंगे, फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। इसकी कंडीशन होती थी कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यही प्रूफ करते थे। पहले केस में हम अपने मन से मान लेंगे कि ये ट्रू है और ये प्रूफ करके दिखाएंगे, दूसरे केस में हम मान लेंगे ये ट्रू है और ये प्रूफ करके दिखाएंगे। ये एक अकेली ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हमको ये टू स्टेप्स में काम करना होता है, इसीलिए इस प्रॉपर्टी को लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। पहले केस में मानते हैं ये ट्रू है, ये प्रूफ करके दिखाएंगे, दूसरे केस में मानते हैं ये ट्रू है और ये प्रूफ करके दिखाएंगे। इसलिए इस प्रॉपर्टी में ऐसे लिखा जाता है, लेट, ये ट्रू मान रहे हैं, डी एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये ऐसी अकेली प्रॉपर्टी है जिसमें हम अपनी मर्जी से ये चीज़ लिखते हैं, लेट डी एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज डी एक्स वाई का मान किसके बराबर है, मॉड एक्स माइनस वाई के। तो यहाँ आपको मिलेगा मॉड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना। मॉड्यूलस फंक्शन की परिभाषा कहती है कि इफ़ मॉड एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये मॉड्यूलस फंक्शन में पढ़ाया जाता है। तो इफ़ मॉड एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब मिलेगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब मॉड के अंदर जो लिखा होता है वो भी किसके बराबर हो जाता है, ज़ीरो के। तो मॉड के अंदर क्या लिखा है, एक्स माइनस वाई, वो भी किसके बराबर हो जाएगा, ज़ीरो के। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू वाई, हो गया प्रूफ। उल्टा देखिए, उल्टे में मान लेंगे एक्स इज इक्वल टू वाई, अगर एक्स इज इक्वल टू वाई है तो उससे ये स्टेप लिख सकते हैं, इसलिए इसमें ये तीर बना दिए। इससे अगर x 0 के बराबर हो तो उसकी मॉड्यूलस वैल्यू भी क्या होती है, अगर x 0 के बराबर है तो उसकी मॉड्यूलस वैल्यू भी क्या होगी, 0, ये, और उससे ये अपने आप मिल गया। तो लिखते हैं हेंस फॉर एवरी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r डी एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, जब डी एक्स वाई ज़ीरो के बराबर था तो x इज इक्वल टू वाई, और जब x इज इक्वल टू वाई था तो डी एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। पहले इतना लिख लिया जाए, फिर दो प्रॉपर्टी समझा रहे हैं। हेडलाइन डालिए यूजुअल मैट्रिक स्पेस, लिखिए लेट कैपिटल R, लेट कैपिटल R बी द सेट ऑफ रियल नंबर, लेट कैपिटल R बी द सेट ऑफ रियल नंबर एंड लेट D सच दैट R क्रॉस R टू R। आपको विजिबिलिटी में दिक्कत हो रही है क्या, दिखाई कम दे रहा था, दिख रहा है। एंड डी सच दैट आर क्रॉस आर टू आर बी अ मैपिंग, मैपिंग और फंक्शन एक ही चीज़ होती है, है ना, मैपिंग फंक्शन मैप, ये एक ही आदमी के तीन नाम है। तो हमने कल फंक्शन बोला था, यहाँ मैपिंग बोल रहे हैं, तो डोंट बी कन्फ्यूज्ड, मैपिंग फंक्शन मैप तीनों एक ही आदमी का नाम है। बी द मैपिंग, बी द मैपिंग डिफाइंड बाई, बी द मैपिंग डिफाइंड बाई, नीचे से लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से एकदम सेंटर में, डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर।
फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर. फिर नीचे से लाइन चेंज करके लिखिए, देन डी इज अ मैट्रिक, देन डी इज अ मैट्रिक ऑन कैपिटल आर, देन डी इज अ मैट्रिक ऑन कैपिटल आर नोन एज यूजुअल मैट्रिक, known as usual metric known as usual metric and the system r comma d, r comma d system लिखेंगे तो किसमें लिखेंगे, ब्रैकेट में, and the system r comma d is called usual metric space. And the system R comma D is called usual metric space. ठीक है, अब इसका हम लोग प्रूफ करेंगे. लिखिए प्रूफ, ऐसे ही आता एग्जाम में, स्टेट एंड प्रूफ यूजुअल मेट्रिक स्पेस. ये सबसे छोटा मेट्रिक स्पेस, अभी तो बहुत बड़े बड़े मिलने वाले हैं. प्रूफ, अच्छा किसी भी मैट्रिक स्पेस को डिफाइन करने के लिए कितनी चीज़ों की चाहिए ज़रूरत होगी, तीन. पहला क्या, एक्स. दूसरा डी कहाँ से कहाँ तक होगा. तीसरा डी को डिफाइन करने का तरीका. पहला एक्स क्या होगा, दूसरा डी कहाँ से कहाँ तक होगा, तीसरा डी को डिफाइन करने का तरीका. ठीक है, लिखिए प्रूफ में, लेट अ मैपिंग, लेट अ मैपिंग, यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, डी सच दैट आर क्रॉस आर टू आर, डी सच दैट आर क्रॉस आर टू आर ऑन द सेट ऑफ, ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर, ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर कैपिटल आर इज डिफाइंड बाई, ये लिख लीजिए डी एक्स वाई, नेक्स्ट लाइन से लिखाएगा सेंटर में, तो डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर. वहाँ आप लोग लिखते थे फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, यहाँ कैपिटल एक्स की जगह हर जगह क्या आ रहा है, आर. देन देन द फॉलोइंग फोर प्रॉपर्टीज, देन द फॉलोइंग फोर प्रॉपर्टीज आर गिवन बिलो, then the following four properties are given below. ठीक है, पहली प्रॉपर्टी m1 ऐसे लिखेंगे, m1 नॉन नेगेटिव कंडीशन, उतार लीजिए m1. कल घर जाने के बाद डिफरेंशियल ज्योमेट्री पढ़ा, डीजी पढ़ी घर जाने के बाद, डिफरेंशियल ज्योमेट्री. अभी 8-10 दिन तक लेकिन बेतिहाता वाला रास्ता साफ पड़ता है. खैर कुछ दिन की बात है, उसके बाद थोड़ा बच्चा हो जाएंगे तो हम भी शिफ्ट कर देंगे. एकदम खाली पड़ता है रास्ता. नहीं, बेतिहादों के पास नहीं है, यहाँ से एकदम पास है, गली गली एकदम पास है. देखिए एक सिंपल सी चीज़ है ना, जिसको पढ़ना है वो आएगा,
जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं आएगा, है ना। साफ बात ये होती है कि हमको यूनिवर्सिटी जाना था तो हम एक छोर पे रहते थे, वहाँ से हम यूनिवर्सिटी जाते थे। बात केवल इतने की होती कि इस साल क्लास व्लास तो कुछ नहीं चलेगा, गवर्नमेंट का तो ऑर्डर यही आ गया है कि क्लास वैसे भी नहीं चलना है, जिसको पढ़ना है वो ऑनलाइन ही पढ़ेगा, और कॉलेज में ऑनलाइन पढ़ाई का सिस्टम है नहीं, है ना। तो जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, जिसको जान प्यारी है वो सेट करेगा, जान प्यारी नहीं है तो वो भीड़ में जाएगा। और कोरोना होने के बाद महीना भर की एकदम भूल जाइए छुट्टी, भाई 2-4 दिन पता लगेगा, 14 दिन क्वारंटाइन हो गया, 18 दिन ये हो गया, 5-7 दिन उठने में लगेगा, महीना भर एकदम छुट्टी मान के चलिए, है ना। भगवान ना करे किसी को कोरोना हो, बड़ी स्थिति ख़राब है कोरोना की। जैसे अपने इंडिया में लोगों का ना माइंड सेट नहीं होता है, जैसे परिस्थितियों से लड़ते नहीं हैं, वो एक ढर्रे पे चलते हैं। जहाँ लोगों का माइंड सेट होता है कि हाँ ऐसी परिस्थिति ऐसा काम कर ले, वो स्मार्ट वर्क कहलाता है, ठीक है। परिस्थिति ऐसी है तो स्मार्टनेस यही कि उसमें जो हो पा रहा है करें, 5 महीना 6 महीने से कॉलेज बंद है तो ये तरीका नहीं है, है ना। तो अपने स्मार्टनेस नहीं है। हो गया पहली प्रॉपर्टी, नीचे से लिखिए, हैंस कॉमा नॉन नेगेटिव कंडीशन इज सेटिस्फाइंग, हैंस कॉमा नॉन नेगेटिव कंडीशन इज सेटिस्फाइंग। हो गया। दूसरा है नल कंडीशन, नल कंडीशन। देखिए नल कंडीशन एक ऐसी अकेली प्रॉपर्टी है जिसमें क्या शुरू होता है, लेट डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये आपको याद करना है, मतलब बाय माउथ याद करना है कि नल प्रॉपर्टी है, तो पहली लाइन यही लिखा है कि लेट डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, ये हमको लिखना ही लिखना है, ठीक है। लिखिए नल कंडीशन में, उतार लीजिए पूरा ये, यहाँ से लेकर के पूरा ये यहाँ तक करेगा। रोज अपने गोरखपुर में 150 से 200 पेशेंट मिल रहे हैं, 150 से 200 कम नहीं है, बहुत है। नहीं, जिसको नहीं हुआ है उसको पता नहीं चल रहा है, जिसको हो गया उससे पूछिए, सब परेशान है कितना। और चक्कर क्या है ना, अब बीमार होने का या छुट्टी लेने का अब समय ही नहीं है। सोचिए अक्टूबर आ गया है ना, तो अब तो सीधे यही देखिए, 21 अक्टूबर से एक्स्ट्रा क्लास है अपने यहाँ, 21 अक्टूबर से एक्स्ट्रा क्लास शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमको दिख रहा है कि हमको कोर्स कंप्लीट कराना है। मैट्रिक स्पेस में थोड़ा कवर हो जाए, डीजी में कवर हो जाए, तब बाकी क्लासेस आपकी चलेंगी, क्योंकि यही दोनों सबसे लेंथी पेपर है। डायनेमिक्स में तो कुछ है ही नहीं इस साल, मार्च में हो जाएगा। नहीं भाई, सेशन थोड़ी ना लेट करेंगे हम। और क्या यूनिवर्सिटी से तो क्लास चलेगा ही चलेगा, आखिर एमएससी वालों का तो ऑनलाइन चल ही रहा था ना, एमएससी का जैसे ऑनलाइन चल रहा था वैसे बीएससी का भी ऑनलाइन चलेगा, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा उसमें, जिसको नहीं पढ़ना नहीं पढ़ेगा। कॉलेज इस साल कोई नहीं खुलेगा, खुलेगा भी तो वही है कि हर क्लास में 4-5 बच्चे रहेंगे, टीचर खुद ही नहीं पढ़ाएगा। नीचे से लिख लीजिए, हैंस नल कंडीशन इज सेटिस्फाइड, हैंस नल कंडीशन इज सेटिस्फाइड, हैंस नल कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी M3, M3 प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, उसको समझ लीजिए, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी समझ लीजिए, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में अगर हम लोग याद करें तो हम लोग प्रूफ क्या करते थे, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स, ठीक है। ये प्रूफ किया करते थे, कितने एलिमेंट्स लेते हैं, 2, तो पहला शब्द क्या लिखाएगा, फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। डी एक्स वाई की वैल्यू अगर हम ऊपर से लिखें तो क्या मिलेगी, मॉड एक्स माइनस वाई, ठीक। माइनस कॉमन ले लीजिए, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे क्या मिलेगा, वाई माइनस एक्स। तोड़ेंगे इसको तब भी आपको पता है, सीधे सीधे आपको कुछ और नहीं बल्कि क्या मिलेगा, वाई माइनस एक्स।
क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन में नेगेटिव अपने आप इसमें कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव में। अब देखिए x माइनस वाई था तो डी एक्स वाई लिखा, y माइनस एक्स होगा तो डी वाई एक्स लिखेंगे। पहले x है तो पहले x आया है, पहले y होगा तो पहले y आएगा, तो कुल मिलाकर के मिल गया डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स। ठीक है, ये आपकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गई। इसको भी लिख लीजिए फिर एक साथ, ट्रायंगुलर समझा रहा है, ट्रायंगुलर हमेशा थोड़ा बड़ा होता है। एम थ्री है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। M3 सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। M3 सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। मतलब ये समझ लीजिए जो आपको पढ़ा रहे हैं ये हम बहुत स्लो नहीं पढ़ा रहे हैं, थोड़ा ठीक ही करके पढ़ा रहे हैं, वरना पहले जब पढ़ाते थे तो एक घंटे में एक थ्योरम ये कंप्लीट होता था। मतलब थोड़ा स्लो स्पीड लेके आराम आराम से बच्चों को पढ़ाया जाता था, अब हम आपको ठीक ही करके पढ़ा रहे हैं, मतलब बहुत आराम वाली पढ़ाई नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही आपका डेढ़ महीने का कोर्स एक महीने में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा फास्ट ही करके चल रहे हैं हम। समझ में आ रहा है? नीचे से लिखिए हैंड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट है आपका M4। देखिए M4 जो होता है हर मैट्रिक स्पेस में थोड़ा सा टफ होता है, और M4 को करने का तरीका हर मैट्रिक स्पेस में अलग अलग होता है। मतलब बच्चों को अगर कोई सेक्शन फंसाता है तो वो M4 होता है, जिसका M4 सबसे टफ होता है वही एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, तो यहाँ का तो अभी M4 आसान है, थोड़ा कोई बात नहीं है, अभी आप लोगों को यूज़ टू किया जा रहा है टफनेस की तरफ, लेकिन वैसे बता रहे हैं कि एग्ज़ाम में आता वही है जिसका M4 टफ होता है। जब M4 आएगा तो हम बता देंगे कि किसका M4 टफ है और कौन सा एग्ज़ाम में पूछने की प्रॉबिबिलिटी है। M4 है आपका ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, कितने एलिमेंट्स लेते हैं इसमें? तो पहले तीनों एलिमेंट्स को लिख लेंगे, फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, वेरी गुड। अब देखिए ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, डी एक्स वाई लिखते हैं, बीच में किसको इंसर्ट कराते हैं, वेरी गुड, जेड को इंसर्ट कराइए, क्या लिखेंगे है ना, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, बीच में क्या साइन लगेगा, लेस देन और इक्वल टू का, यही प्रूफ हमको करना है। ठीक है, देखिए डी एक्स वाई, LHS लेके चल रहा है, डी एक्स वाई की परिभाषा किसके बराबर है, मॉड एक्स माइनस वाई, किसको इंसर्ट कराते हैं, जेड को करा रहे हैं, इज इक्वल टू एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। Z को एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन की परिभाषा होती है मॉड a प्लस बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b यूज़ करेंगे। इसको हम मान ले रहे हैं ये हमारा a है ये हमारा b है, मॉड a प्लस बी लेस देन और इक्वल टू, ये समझिएगा इसकी तरफ मुंह बंद है, इसकी तरफ मुंह बंद हो गया, मतलब अगर इसको हम बगल में लिखते तो ये चीज़ लिखते हैं अपने आप मुंह बंद हो जाता, इसी स्टेप को उठा करके हमने नीचे लिख दिया मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी जेड माइनस वाई
लेस देन और इक्वल टू जैसे था वैसे ही उतारती है। x माइनस वाई था तो डी एक्स वाई, एक्स माइनस जेड होगा तो डी एक्स जेड, प्लस एक्स माइनस वाई था तो डी एक्स वाई, जेड माइनस वाई होगा तो डी जेड वाई। तो हमको मिल गया डी एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू कैपिटल आर। लिखिए एम फोर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। अच्छा जरा एक्स वाई का ध्यान दीजिएगा, हम बहुत बच्चों के कॉपी में गड़बड़ी लिखते हैं। कल बताए थे स्पेस कैपिटल से डी स्मॉल से एलिमेंट्स स्मॉल से, तो ये जितने लिखे हैं ना ये सब स्मॉल है एलिमेंट्स हैं, डी स्मॉल होगा बस ये स्पेस कैपिटल होगा, सब स्मॉल है एवरीथिंग। हम अभी आपकी कॉपी में कुछ लगा गड़बड़ी इसीलिए हम टोके हैं, सब स्मॉल है और ये सब कोई बताता नहीं है इसीलिए फिर बाद में आप लोग रोते हैं अरे मेरा तो 10 नंबर आ गया मैट्रिक स्पेस में, और आता है मतलब थर्ड ईयर में कोई रियायत नहीं बढ़ती जाती है, थर्ड ईयर में 10 नंबर 7 नंबर 0 नंबर सब आता है, सब स्मॉल में है, कोई भी चीज़ उसमें कैपिटल में नहीं है सिवाय स्पेस के, बाकी सब स्मॉल है। ये एम मैट्रिक कैपिटल है, एम कैपिटल है ये, बाकी सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई स्मॉल है क्योंकि सब एलिमेंट्स लिए गए हैं। हो गया क्या, नीचे से लिखिए hence triangular inequality property is satisfied, hence triangular inequality property is satisfied। ये सब ब्रैकेट में लिखाएगा जहां जहां जो लिखा जा रहा है, ठीक है लाइन चेंज करके लिखिए। From above four condition, comma, it is clear that D forms a metric, D forms forms a metric on capital R, D forms a metric on capital R known as usual metric, D को metric कहते थे यहाँ पर इसको क्या कहेंगे usual metric, known as usual metric, known as usual metric and the system r comma d ऐसे है सिस्टम बोलने के साथ ही ब्रैकेट बन जाएगा और r comma d लिखा जाएगा and the system r comma d is called usual metric space and the system r comma d is called usual metric space। ठीक है ये हमारी usual metric space की परिभाषा है। नेक्स्ट लिखिए discrete metric space।
नेक्स्ट है दिस क्रीट मैट्रिक स्पेस. यूजुअल मैट्रिक स्पेस और डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस ऐसे समझ लीजिए इस किताब की जान है. जान का मतलब हर आपको दो चार कदम के बाद इन दोनों का नाम मिलता रहेगा, मतलब इतना ज़्यादा ये यूज़ होता है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस. पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए. अच्छा, डिस्क्रीट का नाम आज से पहले कभी सुना है? कभी भी कहीं भूले भटके ऐसे ही कान में पड़ गया हो डिस्क्रीट. डिस्क्रीट शब्द का इस्तेमाल कंप्यूटर में करते हैं. जैसे कि कहा जाता था जब हम छोटे छोटे थे तब पढ़ते थे, कहते थे कंप्यूटर केवल दो ही नंबर एक्सेप्ट करता है, 0 और 1, इसके अलावा वो कोई नंबर जानता नहीं है. तो वो जो कैलकुलेशन करता है वो 0 और 1 के अकॉर्डिंग ही करता है. ठीक है, तो कंप्यूटर की भाषा में कंप्यूटर केवल दो ही नंबर समझता है, 0 और 1, इसके अलावा वो कोई नंबर नहीं समझता है. तो उसकी जो टाइपराइटर होता था, टाइपिंग होती थी, उस पर कट खट खट आवाज़ होती थी, उसको डिस्क्रीटनेस कहा जाता था, है ना. तो उसी के नाम पे इस मैट्रिक स्पेस को बना दिया गया है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस. ठीक, किसी भी मैट्रिक स्पेस को पढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए? 3 चीज़. पहला एक्स, दूसरा डी कहाँ से कहाँ तक डिफाइन कर रहे हैं, तीसरा डी को डिफाइन करने का तरीका. पहली चीज़ जो आपको चाहिए होती है वो होती है एक्स. दूसरी चीज़ होती है कि डी हम कहाँ से कहाँ तक डिफाइन कर रहे हैं, और तीसरी चीज़ होती है डी को डिफाइन करने का तरीका, है ना. किसी भी मैट्रिक स्पेस को आप पढ़ें तो तुरंत अपना दिमाग सर्कुलेट करें कि क्या पढ़ाया गया था, कि एक्स क्या होगा, डी कहाँ से कहाँ तक होगा, और डी को डिफाइन करने का तरीका. जैसे ही आप अपने माइंड को सर्कुलेट करेंगे तुरंत आपको वो मैट्रिक स्पेस याद आएगा. ठीक है, दूसरी बात, जैसे कि अभी हम नाम लिए डिस्क्रीट, तो डिस्क्रीट कंप्यूटर में आता है, कंप्यूटर केवल 0 और 1 को एक्सेप्ट करता है. तो ये एक अकेला ऐसा मैट्रिक स्पेस है जिसमें डी एक्स वाई की 2 परिभाषा दी गई. ठीक है, क्यों 2 परिभाषा दी गई? क्योंकि डिस्क्रीट कंप्यूटर में आता है, कंप्यूटर में कौन सी 2 भाषा होती है? 0 और 1. तो उसके आधार पे इसमें डी एक्स वाई की 2 परिभाषा दी गई. ठीक, चलिए अब देखते हैं. डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में एक्स की जगह एक्स ही लिखते हैं. मतलब डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस ने कहा मेरा मन करेगा तो हम नेचुरल नंबर पे आएंगे, मेरा मन करेगा तो हम इंटीजर पे आएंगे, मेरा मन करेगा तो हम रियल पे आएंगे, मेरा मन करेगा तो हम रैशनल पे आएंगे, मेरा मन करेगा तो इरेशनल पे आएंगे. लेकिन यूजुअल ने कहा हम तो केवल रियल नंबर पे आएंगे. ठीक है, तो डिस्क्रीट बड़ा स्मार्ट निकला, है ना. कंप्यूटर की स्मार्टनेस है आजकल, हम तो हर परिस्थिति में वैलिड होंगे, है ना. कोरोना है तो क्या हुआ, हम तो कंप्यूटर से पढ़ेंगे. ठीक है, तो डिस्क्रीट ने कहा कि हम किस पे आएंगे? एक्स पे. एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर, और तो और कॉम्प्लेक्स नंबर भी. जो मन करे तुम अपनी वैल्यू ले लो. ठीक, डी का मतलब होता है डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टू आर. तो यहाँ एक्स का मान एक्स ही है, तो एक्स क्रॉस एक्स टू आर. एक्स की जगह एक्स ही आया क्योंकि डिस्क्रीट मतलब कंप्यूटर, कंप्यूटर हर जगह वैलिड होता है, इसलिए एक्स आया. डी को कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किए? एक्स क्रॉस एक्स से आर. अब डी एक्स वाई की परिभाषा. कंप्यूटर कहता है कि हम 2 भाषाओं को होल्ड करते हैं, एक तो 1 और 1 0. हम दोनों दूरी पे बैठे हैं तो हमारे और आपके बीच की दूरी कभी भी 0 नहीं होगी. हम और आप बहुत दूर हैं तो हम लोग के बीच की डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगी. हम दोनों एक ऐसे बैठ गए तो हम लोग की डिस्टेंस क्या हो गई? 0. तो जब 2 नंबर आपस में बराबर होते हैं, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 4 - 4 0, 5 - 5 0, 6 - 6 0, जब 2 नंबर बराबर होते हैं तो उनकी डिस्टेंस क्या आती है? 0. डिस्टेंस तब आती है जब दोनों नंबर आपस में बराबर होते हैं. 2 नंबर बराबर होंगे तो दोनों की डिस्टेंस क्या आएगी? 0. और 2 नंबर बराबर नहीं होंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं आएगी. ठीक है, 2 नंबर बराबर थे तो उनके डिस्टेंस 0, 2 नंबर बराबर नहीं थे तो उनकी डिस्टेंस 0 नहीं आई बल्कि क्या आ गई? 1 आ गई. ठीक है,
ये डिस्क्रीट की परिभाषा हो गई। डिस्क्रीट मतलब कंप्यूटर, कंप्यूटर हर जगह वैलिड है आज की दुनिया में, इसलिए उसमें हमने एक्स लिया। कंप्यूटर में दो भाषाएं होती हैं, वन और ज़ीरो, इसलिए डी एक्स वाई की भी दो वैल्यू हो गई, वन और ज़ीरो। डिस्टेंस ज़ीरो तब होती है जब दोनों सदस्य बराबर होते हैं। डिस्टेंस ज़ीरो नहीं है कब, जब दोनों सदस्य बराबर नहीं है। मोदी जी ने कहा है दो गज की दूरी पे बैठे, हमने एक गज की दूरी पे बैठा दिया, ठीक है। चलिए तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिखवा दें। अगर ये डी इस परिभाषा के तहत उन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया तो डी को बोलेंगे डिस्क्रीट मैट्रिक, और सिस्टम एक्स कॉमा डी को बोलेंगे डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। ये सिस्टम है, बार बार कह रहे हैं ब्रैकेट में लिखाएगा, जैसे आप लोग जी कॉमा ओ लिखा कर देते हैं, गारंटी है अभी बहुत से लोगों को तो जी कॉमा ओ भी लिखने नहीं आता होगा, क्योंकि टीचर ने उस समय ये नहीं बताया था कि डब्बे में लिखेंगे, है ना। तो कुछ बच्चे एग्जाम में ये काम करके आते थे, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं सिस्टम है हमेशा डब्बे में लिखाएगा, ठीक है। चलिए लिखिए इसकी परिभाषा क्या होगा। इसमें स्पेस क्या लेंगे, एक्स। डी कहाँ से कहाँ तक लेंगे, एक्स क्रॉस एक्स से आर, और डी एक्स वाई की कितनी परिभाषा होंगी, दो, पहली वन दूसरी ज़ीरो। ज़ीरो मतलब दोनों एलिमेंट सेम है, ज़ीरो नहीं है मतलब वन है, तो दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, ठीक है। लिखिए डिस्क्रीट में, देखिए इसके और भी नाम होते हैं, वो सारे नाम हम आपको लिखवा दे रहे हैं। इसको कहते हैं डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, और एक नाम इसका ट्रिवियल, ट्रिवियल मैट्रिक स्पेस, दोनों नाम से जाना जाता है। ट्रिवियल का मतलब जानते हैं क्या होता है, छद्म, छद्म मतलब आभासी, पढ़ा होगा एक बार, अपकेंद्र बल अभिकेंद्र बल। अपकेंद्र बल जो होता है वो आभासी होता है, छद्म होता है, मतलब ट्रिवियल होता है। ठीक है, तो उसके दो नाम है, एक है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, दूसरा है ट्रिवियल मैट्रिक स्पेस, ठीक है। लिखिए इसमें, लेट कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स एम्प्टी सेट है ना, लेट कैपिटल एक्स बी आ नॉन एम्प्टी सेट, लेट कैपिटल एक्स बी आ नॉन एम्प्टी सेट। And a mapping D such that X cross X to R, and a mapping D such that X cross X to R, comma defined by कॉमा डिफाइंड बाई, नीचे से लिखिए डी एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको थ्रेट बोलते हैं। ये जो दो भाग में बट जाता है ना, अक्सर आप हम देखती हूँ कि कंटिन्यूटी में होता है, ये डिफ्रेंशबिलिटी में होता था, इसको थ्रेट बोलते हैं, टी एच आर ई ए टी, थ्रेट कहा जाता है। मतलब कोई भी फंक्शन अगर दो वैल्यू देता है तो उसको थ्रेट कहते हैं। ठीक है, हो गया, डी एक्स वाई इज इक्वल टू वन कॉमा ज़ीरो लिख लिया इसको, नीचे से लिखिए देन एक शब्द देखिए हम भूल रहे हैं यहाँ पे, फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, सबके लिए होना चाहिए। Then D forms a metric. Then D forms a metric. Then D forms a metric known as discrete metric. And the system
एंड द सिस्टम x, d इज कॉल्ड डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस एंड द सिस्टम x, d इज कॉल्ड डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। ठीक है, इसमें भी वही चारों प्रूफ रहेंगे आपके। इसका जो M4 है थोड़ा सा आसान है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है, तो आज उतना समय नहीं है कि हम लोग चारों पढ़ पाएँ, तीन पढ़ लेते हैं, चौथा हम कल प्रूफ कराएंगे। ठीक है, संडे को क्लास रहेगा है ना, संडे नो ऑफ। लिखिए प्रूफ, डालिए प्रूफ। लिखिए, लेट अ मैपिंग डी, अ मैपिंग डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टू आर defined on set capital X, defined on set capital X such as नीचे से डी एक्स वाई की परिभाषा लिख लीजिए थ्रेट बना के। हो गया, नीचे से लिखिए, देन द फॉलोइंग फोर प्रॉपर्टीज, देन द फॉलोइंग फोर प्रॉपर्टीज आर गिवन बिलो, देन द फॉलोइंग फोर प्रॉपर्टीज आर गिवन बिलो। अब पहले ब्लैक बोर्ड पर देख लिया, पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एम वन नॉन नेगेटिव कंडीशन। समझिए इसको, कितने एलिमेंट्स लेते हैं, दो, फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, कहते हैं नॉन नेगेटिव में कि डी एक्स वाई हमेशा कैसा होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। डी एक्स वाई की वैल्यू पहले तो वन आई है, वन का मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो, और ज़ीरो आई है, ज़ीरो का मतलब इक्वल टू ज़ीरो। फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स बाई डेफिनेशन ऑफ डी एक्स वाई कॉमा वी हैव, डी एक्स वाई की अगर परिभाषा देखेंगे तो हमको मिलेगा डी एक्स वाई इज इक्वल टू, या तो वन मिलेगा या तो ज़ीरो। वन तब मिलेगा जबकि एक्स वाई के बराबर ना हो, और ये तब मिलेगा जबकि एक्स किसके बराबर हो, वाई के। तो क्लियरली इससे हम देख सकते हैं कि डी एक्स वाई का मान या तो ज़ीरो के बराबर है या ज़ीरो से बड़ा है। डी एक्स वाई का दो ही मान आएगा, या तो वन या तो ज़ीरो। अगर ज़ीरो आया तो ज़ीरो के बराबर है, और ज़ीरो से बड़ा आया मतलब वन आया तो ज़ीरो से बड़ा है। तो डी एक्स वाई का मान हमेशा ज़ीरो से बड़ा और बराबर होगा। भाई डी एक्स वाई के दो ही मान आएंगे, या तो ज़ीरो या वन। अगर डी एक्स वाई का मान ज़ीरो आया तो ज़ीरो के बराबर है, और वन आया तो ज़ीरो से बड़ा है। फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स, वेरी गुड। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरी कंडीशन क्या होती है, नल कंडीशन। एम टू है हमारा नल कंडीशन, कितने एलिमेंट्स लेंगे, दो, फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ये एक अकेली ऐसी कंडीशन है जिसमें अपने मन से हम मानते हैं लेट डी एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो।
अपने मन से मानते, कहते कि ये आपको दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि हम अपने मन से ये चीज़ लिखते हैं, है ना, लिख दिया मैंने। दिस इम्प्लाइज डी एक्स वाई का मान ज़ीरो कब है जबकि x किसके बराबर है, x बराबर बाई डेफिनेशन ऑफ डी, डी की परिभाषा में ही ये दिया गया है। उल्टा कर दीजिए, जब एक्स वाई के बराबर होगा, जब एक्स वाई के बराबर होगा तो अपने आप डी एक्स वाई किसके बराबर होगा, ज़ीरो के, इफ एंड ओनली इफ। हेंस डी एक्स वाई अगर ज़ीरो के बराबर है तो इफ एंड ओनली इफ के साथ अपने आप मिलेगा एक्स इज इक्वल टू वाई, फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हमको क्या दिखाना होता है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स। ठीक है, देखिए इसमें दो केसेस मानेंगे, एक केस ये मानेंगे एक केस ये मानेंगे। पहले तो ये बताइए सिमेट्रिक में कितने एलिमेंट लेते हैं, कौन कौन से, एक्स और वाई बिलोंग्स टू एक्स, देन देयर आर फॉलोइंग टू केसेस। ठीक, लिख लेते हैं पहले थोड़ा सा तब मिटाते हैं। प्रूफ डलवाएं, कुछ लिखवाए भी हैं बिलो, पहला लिखिए M1 नॉन नेगेटिव कंडीशन, M1 नॉन नेगेटिव कंडीशन, M1 नॉन नेगेटिव कंडीशन, उतार लीजिए नॉन नेगेटिव कंडीशन। दरअसल ऑनलाइन का सेटअप धीरे धीरे सेट होगा, जैसे हमको याद है हम पहले दिन जब वीडियो डाले तो समय कम था, लाइट वाइट की दिक्कत थी, वीडियो डाले तो बच्चों को कम पसंद आया, अगले दिन हम फिर बना के डाले सुबह ही पहले वही वीडियो, बहुत पसंद आया। तो कैसे चक्कर क्या है, खैर हमको तो बच्चे भी मेरे ऑनलाइन वाले बहुत अच्छे मिले हैं, बहुत कोऑपरेटिव मिले हैं। नहीं, मेरा 1000 से ऊपर हो गया है, मेरा करीबन 1600-1800 चल रहा है। वैसे जैसे हम बता रहे, एक नॉर्मल बात बता रहे हैं कि बच्चे मेरे बहुत कोऑपरेटिव मिले, मतलब समझते हैं चीज़ों को। अब क्या होता है लिंक भेजने में इसका 10-11 बज जाता है रात के, क्योंकि वीडियो इतना बड़ा बड़ा अपलोड होगा जाएगा, सेकेंड ईयर का अलग थर्ड ईयर का अलग, तो समय लगता है, लेकिन है कोऑपरेशन है भाई, हम लोग भी सीख ही तो रहे हैं, कौन सा हम लोग कभी ऑनलाइन टीचिंग किया था, हम लोग भी सीख रहे हैं। लेकिन हमको ये चीज़ समझ में आया कि ये सेटअप उतना ख़राब नहीं है, सेटअप ठीक है। जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं अगर उनको पूरा लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग मिल रहा है तो और क्या चाहिए भैया। हो गया M1 में नीचे लिख लिया आप लोगों ने, हैंस नॉन नेगेटिव कंडीशन इज सेटिस्फाइंग, हैंस नॉन नेगेटिव कंडीशन इज सेटिस्फाइंग, हैंस नॉन नेगेटिव कंडीशन इज सेटिस्फाइंग। दूसरा है M2 नल कंडीशन, नल कंडीशन तक उतार के छोड़िएगा, फिर सिमेट्रिक हम समझाएंगे तब उतरवाएंगे। आपको जिस तरीके से कॉपी में लिखवा रहे हैं उस तरीके से आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको बहुत रिफाइन तरीके से कराया जा रहा है कि जिससे आपको नंबर बस मिले। भाई हम अपने टाइम में अगर 50 में 50 पाए हुए हैं तो क्यों पाए हुए हैं, सब करके आते थे उस लिए, और रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता था उस लिए, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी फैक्टर है, एटलीस्ट गोरखपुर विश्वविद्यालय में तो नंबर पाने के लिए बहुत ज़रूरी है।
तो हमको ये लगता है कि भाई जो चीज़ हमको नंबर दिलाई है वो आप लोगों को भी दिलाएं, तो हम थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान देते हैं। इसे मेरा पर्सनल थॉट है। नल कंडीशन के नीचे से हैंस नल कंडीशन इज सेटिस्फाइड। मिटा देना। अब सिमेट्रिक देख लीजिए। सिमेट्रिक में क्यों दो चीज़ लेके गई, क्योंकि आप दो कंडीशन के तहत स्टडी कर रही हैं, है ना, इसलिए दो केस बनाएंगे। पहले केस में हम कहेंगे केस वन, देखिए किसी भी थ्रेट में आज समझ लीजिए, अगर कभी कंटिन्यूटी और डिफ्रेंशिबिलिटी में किसी ने नहीं बताया तो, किसी भी थ्रेट में जो केसेस बनते हैं वो हमेशा इससे बनते हैं। मतलब अगर हम केस वन कहेंगे तो केस वन में हम यही लिखेंगे, केस टू में हम यही लिखेंगे। तो किसी भी थ्रेट में जो कॉमा देने के बाद लिखा होता है वो कंडीशन बनती है, उसी के हिसाब से आपको जितना बन करे उतना केस बना डालिए, ठीक है। चूँकि यहाँ पे दो लिखा है तो दो केस बनेंगे, तीन होता तो तीन केस बनते, चार होता तो चार केस बनते, ठीक है। केस वन में हम मानेंगे लेट x इज इक्वल टू y, ठीक। देन अगर x y के बराबर होगा तो dxy का मान किसके बराबर आएगा, xy के बराबर होगा तो dxy का मान ज़ीरो, ठीक। xy के बराबर है तो y भी x के बराबर होगा, एक्स वाई के बराबर है तो वाई भी एक्स के बराबर होगा। जब वाई एक्स के बराबर होगा तो डी वाई एक्स की भी वैल्यू किसके बराबर आएगी, ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज डी एक्स वाई दोनों का आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी क्या होगा, बराबर। डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स फॉर एवरी, या इसको यहीं छोड़ दीजिए, केस टू, ठीक। केस टू में ठीक उल्टा मान लीजिए, ये हो गया, ये मान लीजिए कि x y के बराबर नहीं है। देन अगर x y के बराबर नहीं होगा तो डी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी, x y के बराबर नहीं है तो डी एक्स वाई की वैल्यू वन। अगर ये कलम इस ढक्कन के बराबर नहीं है तो ये ढक्कन भी तो इस कलम के बराबर नहीं है, है ना। तो अगर x y के बराबर नहीं है तो y भी x के बराबर नहीं होगा, तो इस केस में डी वाई एक्स की वैल्यू भी एक्स वाई के बराबर नहीं था तो डी एक्स वाई की वैल्यू वन, वाई भी तो एक्स के बराबर नहीं है तो डी वाई एक्स की भी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, सिंस वाई भी तो एक्स के बराबर नहीं है, एक्स वाई के बराबर नहीं है तो वाई भी तो एक्स के बराबर नहीं है। तो अगर इसको कंबाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा दिस इम्प्लाइज डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स, दोनों का आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब जैसे इन दोनों को कंबाइंड करेंगे, कंबाइनिंग एबव टू केसेस, जैसे ये दोनों केसेस को कंबाइंड करेंगे, इसमें भी वही चीज़ आई है, इसमें भी वही चीज़ आई है, इसका मतलब सही यही है कि डी एक्स वाई डी वाई एक्स के बराबर होगा फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। लिखिए M3 सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, बिल्कुल ऐसे उतार लीजिए।